शोएब भाई, अब यहां पर जब बिल्कुल वर्ल्ड कप हमने बार बार बात करी कि टीम इंडिया की बॉलिंग भी बढ़िया लग रही है, टीम इंडिया की बैटिंग भी बढ़िया लग रही है, आकाश भाई ने कहा कि यहां पर अगर टॉस जीतते हैं तो टीम इंडिया को यहां पर पहले बैटिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि टीम इंडिया दिखाई ऐसा दे रहा है, पहले बैटिंग करते हुए भी आप 100 रन से ज्यादा से हरा सकते हो, बाद में जब आप चेस करते हो तो भी आप 7 विकेट से सारे मैचेस जीत रहे हो, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को क्या करना चाहिए अगर आज टॉस जीतते हैं तो यहां पर? भाई टीम इंडिया सिर्फ आकाश भाई की बात सुनती है, जो ये कहते हैं वो कर दो, तहत लौंडा है ये, इसकी बात ना टाला करो, क्योंकि ये जो बात करता है वो एनालिसिस की बेस पे करता है। आई थिंक आकाश के एनालिसिस तो यार वो पढ़ता है, गेम देखता है, जो अपने एनालिसिस, वो इधर उधर की बातें नहीं करता, अपने एनालिसिस करता है। इसके एनालिसिस बड़े स्पॉट ऑन होते हैं, आप अग्री नहीं करोगे, लेकिन अगर आप देखें ना क्रिकेट में सबसे अच्छी बात करता है, पता नहीं, मैंने जो जहां तक क्रिकेट की बात सुनी है वो सलमान बट बहुत अच्छी करता है यहाँ पाकिस्तान में, दो के उसकी बात को ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता, लेकिन वो क्रिकेट की बात बहुत अच्छी करता है। और यहाँ पे आकाश भट्ट को, अगर आकाश भट्ट कह रहा हूँ, पर हसन रजा भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अरे यार क्या हो गया, कमाल ही है, बहुत आकाश भाई के जो ट्वीट्स हैं वो बड़े वायरल हो रहे हैं। हसन अभी भी 14 का ही रह गया, मुझे लग रहा है शोएब वो बड़ा हुआ ही नहीं। नहीं यार आपने यार अजीब सी बातें हैं, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस यार, क्या हो गया यार आपको, ये बॉल चेंज कर दिया, वो बॉल नहीं, उनकी मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है, इंडियन फास्ट बॉलर्स की बॉल नहीं चेंज हुए, उनके उनके रनअप चेंज हो गए हैं, उनकी एटीट्यूड चेंज हो गए हैं, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, उनकी उनकी अप्रोच टुवर्ड्स गेम चेंज हो गई है। आकाश ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की थी कि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द इंडियन फास्ट बॉलर, और यही मीडिया को करना चाहिए। बेशक विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ा नाम है, आज उनको अपनी बर्थडे के ऊपर अपने आप को यही गिफ्ट देना चाहिए, 100 का यही बनता है हिंदुस्तान पूरे के लिए कि अपने आप को खुद तोहफा दें आज, और वो करेंगे। वो देखें सिचुएशन, कुछ अल्लाह पाक ने कुछ सिचुएशन बनाई होती कुछ लोगों के लिए यार, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत बड़े 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 प्लेयर आए, बड़े बड़े उन्होंने चीजें की, लेकिन विराट के लिए कुछ स्पेशल मोमेंट अल्लाह ने रखे हुए कि भाई ये दिन आपका है, ये ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख का क्राउड है, 2 बिलियन बंदा देख रहा है, आपने शो करना है भाई, आप नहीं मैच जिता सकते, लेकिन विराट साहब ने जाकर शो करना है, वो सारी की सारी फेम ले जाएगा और 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर, आज भी यही करेगा। बट इट यार उसकी देखो ना, मैं जहां तक समझाऊं उसी को क्यों मिलता है जी, मैं अक्सर बात सोचता हूं यार कि वाई विराट कोहली, देखें अगर मुझसे अगर टैलेंट कंपेयर करें ना, मुझसे जेन्युइनली अगर मुझसे एनालिसिस लेना, और मैं जेन्युइन बात करूंगा, रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है विराट कोहली जी, केएल राहुल बहुत बड़ा प्लेयर है, शुभमन गिल आने वाले वक्त में बहुत बड़ा प्लेयर है जी, लेकिन क्या ये इसकी डेडिकेशन को मैच कर पाएंगे, क्या ये विराट कोहली की फिटनेस को मैच कर पाएंगे, क्या इसके फोकस को मैच कर पाएंगे, क्या विराट कोहली की जो कमिटमेंट का लेवल है क्या उसको मैच कर पाएंगे, ये बातें बहुत बड़े सवाल हैं। ये खाली की बैटिंग नहीं है, उसका एक पूरा प्रोसेस है जो उसने तय किया है, और वो शुक्रिया अदा करे वो करता भी है सचिन तेंदुलकर का। यही चीज मैं कहता हूं कि हाँ कोई लड़का है शुभमन, आप हैं, आप में वो चीज है, आपने आप में कद भी है, हाइट भी है, अच्छे भी दिखते हो, आप में वो फोकस चाहिए, आप करो, आप 110 सेंचुरीज का रिकॉर्ड करो जी। और देखो यार क्यों ना चेंज करें, क्या आपके पास 1000 करोड़ की मार्केट नहीं है क्या? बिल्कुल चेंज क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए। और ये अच्छी नीयत का बंदा है विराट कोहली, इसको ऑफ द फील्ड अगर आप मिले, ये अच्छी नीयत का आदमी है, ये कभी भी कमीने इंसान को इतनी बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती, ये याद रखिएगा, ये कभी भी किसी गिरे हुए घटिया आदमी को इज्जत नहीं मिल सकती, ये हैज टू बी अ स्पेशल गाय जिसको अल्लाह इज्जत देता है। ये बाकी बाकी सारी बातें बकवास है, वो क्या करता है क्या करता क्या नहीं कहता, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, बंदा अच्छा ना हो और उसको इज्जत मिल जाए। बिल्कुल विराट कोहली इज प्रॉबली द वन ऑफ द प्रॉबली द नाइसेस्ट गाय, जिसकी वो खास बात और खास चीजें जो अल्लाह को पसंद है और उसको इज्जत मिलती है। आज देखिएगा, आज फिर सारा मैच एक तरफ, फाइनल एक तरफ, साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच एक तरफ, विराट कोहली की बर्थडे और शो एक तरफ, आप निकाल लेना निकलने दे
एक्चुअली विराट काफी ज्यादा बातें चल रही हैं, सेंचुरी की बातें चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि सेंचुरी मिस हो रही है क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है। हालांकि मतलब हम जानते हैं कि कितनी मेंटल टफनेस की बातें होती है विराट की, क्या किसी प्लेयर के दिमाग में इस तरीके से रिकॉर्ड्स चल रहे होते हैं क्या जो इतनी सारी बातें हो गई हैं? देखो पता तो होता है, अब कोई कहे ना कि मुझे मैंने स्कोरबोर्ड देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं मैं 90 पे था, सरे साल मतलब बिल्कुल सफेद रंग का झूठा है, सबको पता होता है। पर यह है कि क्या वो इतना ज्यादा वो आपके कर रहा है कि बॉकडाउन उजा रहे हो आप, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो देखिए 100 बनना 95 बनना ये हम सेलिब्रेट करते रहते हैं ऑनेस्टली। कभी भी ये कभी आपको अगर मैं आपसे वैसे सवाल पूछूं, दर्शकों से पूछता हूँ, अच्छा ये बताओ जसप्रीत बुमराह ने कितने पंजे खोले हैं आज तक अपने करियर में तीनों फॉर्मेट्स के मिला के? आई कैन गिव यू इन राइटिंग, बिना गूगल किए ना कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ये सच्चाई हमारे देश की, थोड़ा सा बैटिंग हमारे बैटिंग नेशन है, थोड़ा बैटर को हम सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं। रोहित शर्मा ने, मैं अभी आपको टॉस जीत लिया है, रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है टीम इंडिया ने। फाइनली बात मान ली है, सुन लिए तालियां, टीम इंडिया ने कोलकाता में टॉस जीत लिया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। थोड़ी देर में शुरू होगा मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका का, ये जो मैच है पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कौन जाएगा इसके लिए ये मैच का ये कंपटीशन है यहां पर, और भारत ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। थोड़ी देर में हम आपको प्लेइंग 11 भी बता देंगे, ऑल्दो यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना बड़ा बदलाव करें भी किसको, किसको लेके आएंगे? प्रसिद्ध कृष्णा को ले आए हैं, नहीं लेके आ सकते, नहीं लेकर आ सकते। लेकिन अभी इससे पहले मेरे ऊपर तुम एलिगेशन लगा दो, तो अश्विन कह रहे हो अश्विन मैंने नहीं कहा, नेम के लाओ भाई। लेकिन यहाँ पर बड़े कप्तान और छोटे कप्तान के बीच में जो टॉस हुआ, ये छोटा कप्तान हाइट की वजह से कह रहा है, मैं तेंबा बबूमा की फॉर्म के ऊपर नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। देखिए हाइट के ऊपर मजाक बनाना कितनी गलत बात होती है, एक बढ़िया कप्तान, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया ने जो पहले बैटिंग चुनी है, शोएब भाई क्या ये सही डिसीजन है टीम इंडिया का पहले बैटिंग चुनने का? भाई जय जो आकाश के आंखें बंद करके मानते जाओ सारे प्रोग्राम में क्या करो यार खत्म भाई। वो जो वो उसका नाम आकाश बिनी है, वो उसको सब खबरें होती है उसको सब खबरें होती है, सब उसको किया होता है। बट बेस्ड ऑन एनालिसिस आई थिंक ही इज द राइट गाय दैट यू नो दैट इनको पता होता है आकाश भाई को करना क्या है। ये बहुत अच्छा फैसला था, अब फैसले को सही साबित करना इंडिया टीम का काम है। आपने टॉस जीत लिया है, साउथ अफ्रीका को अब देखे, ये बात तो मानने की है कि बाद में बैटिंग करते हुए हिंदुस्तान की बॉलिंग आपको नहीं चांस देगी, आपको पहले 5-6 ओवर में 10 ओवर में 15-20 और पता नहीं ड्यू कब पड़ती है, जब पड़ेगी वो देखेंगे। 20 ओवरों का ही गेम है, पहले एक दायरे या दूसरे दायरे से खत्म जब गेम होता है वो हिंदुस्तान बता देगा। जिस हिंदुस्तान बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ वही उसकी आधी बॉलिंग आज कर दी उन्होंने, इतनी अच्छी नहीं जितनी पिछले मैच में की और उससे अच्छे पिछले मैच में की, उससे आधी कर दें। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि क्विंटन डी कॉक को इतनी इजाजत मिलेगी खुला खेलने की। आई थिंक यू आर इन गुड फॉर इन फॉर अ बेस्ट चांस टू विन दिस। जी